हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, 6 बार बोनस शेयर से माला माल करने वाला ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर, बोनस ही नहीं डिविडेंड से माला माल करने वाला ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर, आज Q2 का रिजल्ट आया। और इस रिजल्ट को देखकर आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा, वो आपको पता लग सकता है रिजल्ट को देख के। लेकिन मैं कहूँगा काफी दयनीय स्थिति दिख रही है रिजल्ट में, दयनीय स्थिति। तो ऐसे रिजल्ट को देख के इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, क्या वो रिएक्ट करेंगे इस रिजल्ट पे, वो आप खुद देख लीजिए कि बोनस और डिविडेंड से माला माल करने वाला ये शेयर आज कैसी हालत इसकी होगी। चलिए इस छोटे से वीडियो में देखते हैं इसके Q2 के परफॉर्मेंस को, साथ में कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल भी देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो बोनस से हमने स्टार्ट करी थी। तो बोनस देखिए, 2018 में 1:1 का बोनस दिया था, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। 2016 में इसने 1:1 का बोनस दिया था, मतलब पिछले 3 साल के अंदर अब तक 2 बार ये बोनस शेयर दे चुका है। 2009 में भी 1:1 का बोनस दिया था, इसका मतलब पिछले 10 साल के अंदर अब तक ये 3 बार बोनस दे चुका है। 2003 में भी इसने बोनस दिया था, और इस तरीके से अगर टोटल बोनस आप देखोगे तो अब तक 6 बार ये बोनस शेयर दे चुका है। ये तो देखा आपने बोनस का परफॉर्मेंस, अब देखिए एक नज़र डिविडेंड का परफॉर्मेंस। ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड दिया करता है, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। पिछले साल दिसंबर में इसने 6.75 रुपये का डिविडेंड दिया था, उसके बाद फिर इसने मार्च में डिविडेंड दिया, फिर इसने मई में डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड देना इसकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार का जो होता है ना वित्तीय घाटा, जो फिस्कल डेफिसिट आप कहते हो भैया, वो जो इसका टारगेट होता है वो पूरा नहीं हो पाता, सरकार की कमाई का टारगेट, तो सब डिविडेंड इनसे मांगा जाता है, भाई डिविडेंड दो। लेकिन जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहाँ से डिविडेंड ये देगी। तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट को हम देखते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल, रिजल्ट का असर, रिजल्ट कब आया, बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज जो रिजल्ट आया वो 3:30 बजे से 5-6 मिनट पहले अपलोड हुआ, यानी कि 5 मिनट पहले, 3:25, 3:20 के आसपास। तो मतलब कुछ तो असर देखने को मिला होगा आज के डेट में रिजल्ट का। तो अब रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट में एक चीज़ देखिए आप, सारे नंबर्स जो हैं वो करोड़ में हैं, तो क्लियरली हम जब बात करेंगे पूरे करोड़ में ही ये बात होगी। टोटल इनकम पर फोकस करते हैं। टोटल इनकम अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर सेप्टेम्बर की, तो अब करोड़ों में बात हो जाए तो था 1,55,687 करोड़, यानी कि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम जो लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में थी, वो इस बार है 1,35,218 करोड़। तो आप क्लियरली देखिए कि 20,000 करोड़ के आसपास का गिरावट टोटल इनकम में, तो सबसे बड़े कंसर्न की बात है, डर की बात है। डेफिनेटली ये टोटल इनकम में पूरी पूरी कमी देखने को मिली है। ऑपरेशन से रेवेन्यू बिल्कुल कम हुए हैं, 1,54,000 करोड़ से 1,34,000 करोड़ पे आ गए हैं। अब टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़, देखिए टोटल एक्सपेंसेस जो हुआ है वो 1,34,000 करोड़ हुआ, पिछली बार 1,51,000 करोड़ था। तो प्रॉफिट अगर मैं बिफोर टैक्स देखूं, फिर टैक्सेशन बाद में देखेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 682 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर सितंबर में ऑलमोस्ट 4,905 करोड़ था। तो यहां से बिल्कुल ही धराशायी हो गया, बिल्कुल ही नीचे गिर गया ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी तो टैक्सेशन भी कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ी गिरावट मैं कहूँगा, और इसका असर आप देखने को मिलेगा आपको नो डाउट। लेकिन पहले आप देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। जैसा कि आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये मुझे मात्र 370 करोड़ का दिख रहा है 3300 करोड़ से। तो आप खुद सोचिए कि 370 करोड़ 3300 करोड़ से इतना गिर गया ये प्रॉफिट, तो भाई शेयर पे कैसा असर इसका पड़ेगा। यही नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ अर्निंग पर शेयर की तरफ। अर्निंग पर शेयर जो 3.50 रुपये का था, और जून में और भी बढ़िया था, जून में ये 4.07 रुपये का था। अगर जून के प्रॉफिट को आप देखोगे तो देखिए जून का प्रॉफिट 3,623 करोड़ था, लेकिन सेप्टेम्बर में ये धराशायी हो गया, मात्र 50 पैसे का अर्निंग पर शेयर रह गया। ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो बस सब सच कुछ यही दिखा रहे हैं। अब सरकार अपना स्टेक बेचने की बात कर रही है, कभी वो BPCL में बेचने की बात कर रही है, कभी वो कंटेनर कॉरपोरेशन में बेचने की बात कर रही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन उनकी कंपनी जहाँ पे प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही है। देखिए इंडियन ऑयल को भी अब कुछ टाइम बाद बेचने की बातें आ जाएंगी, देखिए। और आज का अगर कारोबार आप देखोगे स्टॉक का, तो देखिए कारोबार वाइज, जैसे कि लास्ट में आज मार्केट एकदम
जंप करी थी, लेकिन लास्ट में आते आते बिल्कुल नीचे धराशाही हो गए। अब ये देखिए 144 रुपये के आसपास आज 3 रुपये का 2% का गिरावट देखने को मिला। लास्ट के 5 मिनट में का हम कारोबार देखेंगे। फिलहाल ये देखिए आज की डेट में ओपन तो 148 पे हुआ था, लेकिन हाई जो 148.75 बना था उसके बाद नीचे गिर गया शेयर। और डिलीवरी की बात करते हैं तो 40% की डिलीवरी देखने को मिली। 1,44,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए जिसमें 58 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिली। लेकिन आज का जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा जो हमारा है लास्ट के 5 मिनट का, तो 1 मिनट का ये चार्ट आप देख रहे हो टाइम फ्रेम पे। और लास्ट के जैसा कि जब रिजल्ट आया, मैंने आपको बताया 24 या 25 के आसपास से रिजल्ट आया था, तो 24 पे जैसे ही रिजल्ट आया किसी बड़े प्लेयर ने सेलिंग स्टार्ट कर दी और 147 से गिरता गिरता शेयर नीचे आया। उसके बाद थोड़ा सा बाइंग हुई होगी इसमें, लेकिन रिजल्ट जैसे ही सबके पास आता गया, आप ये बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये बड़ी बड़ी लाल कैंडल, ये खाली आज आज की परफॉर्मेंस है, स्टॉक नीचे हो गया। अब ये इतनी बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है आज आज की डेट में, लेकिन मैं कहूँगा अभी भी इस स्टॉक में अच्छा खासा जंप आ सकता है अगर कोई स्टेक सेल की बात सरकार कर दे। सरकार तो अपने सारी कंपनियों में ऐसे ही अपना हिस्सा बेच रही है, अगर कुछ बिकेगा तो लोग इंटरेस्टेड होंगे। बीपीसीएल देखिए कहाँ पहुंच गया, कंटेनर कॉरपोरेशन देखिए कहाँ पहुंच गया, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ पहुंच गया, किस न्यूज से क्या चल रहा है इनमें, क्या कोई इन्होंने कोरोना का प्रॉफिट कमा लिया? जी नहीं, सरकार कह रही है मैं बेचूंगी, लोग खरीद रहे हैं, भाई खरीदो, कोई बड़ा प्लेयर बाद में खरीदेगा जब सरकार वो करेगी तो भाई प्राइस बढ़ जाएगा। यही यही सब स्पेकुलेशन से यहाँ पे सरकारी शेयर ताबड़तोड़, अब देखिए एसबीआई बढ़ रहा है, रीजन है, प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने, एसबीआई ने बैंक ने, तब बढ़ रहा है तो, लेकिन ये शेयर बिल्कुल देखिए कितना प्रॉफिट दिखाया आपने देख लिया रिजल्ट में। अब एक नज़र मैं आपको और डिटेल में, जैसे कि टेक्निकल में, जैसे 1 मिनट का हमने चार्ट देखा, अब 1 डे चार्ट पे आते हैं और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि कहाँ से गिर के ये कहाँ तक पहुँचा है। देखिए बात ऐसी है, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आप इस स्टॉक को देखें और समझें। पिछले कुछ टाइम में जैसे कि मैं इसको मॉनिटर करता जाता हूँ, ये शेयर एक हाई इसने बनाया था 230 के लेवल का, लेकिन वहाँ से गिरता गिरता रेगुलर बेसिस पे गिरता गिरता इसने डेथ क्रॉस बना लिया था ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ऑलमोस्ट 200 के लेवल पे, मतलब यहाँ पे निकलना ही बेहतर था, डेथ क्रॉस बनने के बाद निकलना ही बेहतर था। और उसके बाद फिर से ये देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर जब इसने बनाया था 103 के लेवल पे, वहाँ से देखिए कितना बढ़िया ये जंप किया, लेकिन उसके बाद फिर से इसने गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे बनाया, लेकिन स्टॉक में ये मई के टाइम पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनाया, उसके बाद जो गिरावट आई जरूर ऊपर एंट्री का मौका जरूर मिला, लेकिन फिर से डेथ क्रॉस ओवर बन गया और स्टॉक दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। स्टेक सेल की न्यूज व्यूज जो भी चल रही हैं इसलिए इसमें भी खरीदारी हुई, लेकिन इसका रिजल्ट आपने देखा कैसा रहा, बिल्कुल नीचे धकेला गया। और ये डेथ क्रॉस मुझे लगता है कि अभी और इसमें गिरावट आ सकती है शेयर में, लेकिन इन चीज़ों के लिए अभी एक ही वरदान चल रहा है, एक ही चीज़ चल रही है स्टेक सेल, जो इनको और ऊपर लेके जा सकते हैं। फिलहाल स्टॉक अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको चीज़ें सिंपली सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो मुझे दिखता है वो रिजल्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा ये प्रॉफिट में कमी है। और इसका असर जैसे आज आपको सीधे सीधे 5 से 7 मिनट के अंदर देखने को मिला है, वो कल भी कंटिन्यू रह सकता है इसका असर। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इन्वेस्टर उसको किस तरीके से लेते हैं, तो मुझे लगता है कि गिरावट आ सकती है इस शेयर में अभी इस रिजल्ट के बाद। जैसे कि आपने आज की डेट में देखा यस बैंक में बड़ा उछाल देखने को मिला, इवन और भी बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे जंप कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा शेयर मार्केट में कुछ टाइम पहले बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक ये उड़ रहे थे, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये उड़ रहे थे, लेकिन अब पिछले 4-5 दिनों के अंदर क्या आपने देखा वो सेट ऑफ स्टॉक्स हटा दीजिए, नया सेट ऑफ स्टॉक्स जो है वो ग्रो कर रहा है, पूरा का पूरा नया बैच ग्रो कर रहा है जो क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या फिर सरकारी बैंक ग्रो कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा नया सेट यहाँ पे उछल रहा है। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हम बात करते हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, तो ONGC एक बहुत बड़ा हिस्सेदार यहाँ पे है, तो इसका सीधे से सीधे असर ONGC के रिजल्ट पे भी पड़ेगा भाई। LIC एक बहुत बड़ा हिस्सेदार यहाँ पे है, ICICI प्रोडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फंड एक बड़ा हिस्सेदार है, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, ऑयल इंडिया, ये सब इसके बड़े बड़े हिस्सेदार हैं। ऑयल इंडिया ये देखिए आप, और यही नहीं अगर मैं बात करूं प्रोमोटर की, तो मेजर प्रोमोटर भाई सरकार है, सरकार ही पैसा कमा रही है, सरकार ही हिस्से बेचने की कोशिश कर रही है, तो देखिए सरकार के 484 करोड़ शेयर से यहाँ पे, और सरकार इसको बेचेगी तभी यहाँ पे ये प्रॉफिट का जो
पॉजिटिव असर, इस कम प्रॉफिट का पॉजिटिव असर तभी देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और आपने देखा ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का Q2 का रिजल्ट यानी कि Q2 रिजल्ट। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, आपकी अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताएं स्टॉक के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।